काफी तंग कर दिया यार ये फास्टैग ने। फाइनली गाइस हम आ चुके रनवे होटल पे, तो अपने साथ एक कांड हो चुका है। अपने गाड़ी का फर्स्ट टाइम आज टायर पंक्चर हो चुका है, उसमें बोल्ट घुस चुका है अंदर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा टायर अपने गाड़ी का पंक्चर हुआ है। तो गाइस अपने गाड़ी का ये वाला टायर देख सकते हो, हो चुका है पंक्चर। क्या ही करे यार, पता नहीं इसमें ना इस साइड में कहीं बोल्ट घुसा है, मैंने अभी चेक किया। क्या कर सकते यार, टायर हो गया पंक्चर। फर्स्ट टाइम अपने गाड़ी में टायर पंक्चर हुआ है आज। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने गाड़ी खड़ी की और खड़ी करने के बाद मैंने पीछे देखा तो यार टायर बैठा हुआ था। गाइस हमने व्हील कप खोल दिया और जैक को भी हमने लगा दिया है गाड़ी के अंदर। देख सकते हो टायर तो उठ चुका है हमारा। खोलते अब इसको मशीन से। हो रहे भाई, टायर को खोल दिया अबे। अपनी गाड़ी में खोल दिया टायर, देख सकते हो अंदर की साइड में घुस चुका है बोल्ट। इधर गए, ये देख सकते हो भाइयों घुस चुका है अंदर बोल्ट। ये नहीं निकल रहा इसे, इसको इस थोड़ा निकालना पड़ेगा, हाथ से नहीं निकल रहा। अच्छा बोल्ट पड़ गया, ये बोल्ट घुस गया है इसके अंदर। देख सकते हो अंदर से होल हो गया है इधर से। अरे भाई मुझे लगता है इसको पैच करना पड़ेगा, पैच मारना पड़ेगा। देख सकते हो गाइस ये वाला बोल्ट था इसमें घुसा हुआ अंदर, ये वाली साइड इसके अंदर घुस गई। क्या ही करे यार गाइस, अपने गाड़ी का टायर वगैरह हमने फिट कर दिया है, बिल वगैरह हो गया, पैच मारा हमने 350 रुपये का, मतलब 35 नंबर पैच, और अपना 550 रुपये बिल बन गया यार। चलो कोई बात नहीं, देख सकते हो ये टायर का बिल बन चुका है अपना। तो फाइनली गाइज अपने गाड़ी अपना टायर वगैरह पंक्चर निकाल लिया हमने, पैच मारा हमने उसको 35 नंबर। तो अपने एक भाई मिले थे कोल्हापुर से, तो उन्होंने गाड़ी देख के, तो भाई और हम जा रहे हैं अब चाय पीने, निकलते हैं। तो भाई कोल्हापुर से, मतलब हमारे इधर महाराष्ट्र की ही है और मैं पुणे का, तो बस जा रहे हैं हम चाय पीने। तो भाई बस गाड़ी अपनी मैं टायर पंक्चर निकाल रहा था, तभी भाई ने देखी गाड़ी, तो भाई रुके, बहुत अच्छा लगा। भाई ने मेरे को मतलब टायर वगैरह फिट करने में भी बहुत मदद की, मुझे मेरे से बैठ ही नहीं पा रहा था टायर, तो भाई ने वो टायर फिट करके दे दिया मुझे। तो चलिए चाय वगैरह पीते, अब जा रहे होटल की तरफ। फाइनली गाइस हम चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया, भाई अब निकल रहे यहाँ से। देख सकते हो ये है भाई की गाड़ी, ये भी पुणे से लोड करके आए, पर इनका माल गुजरात का ही है, हलोल का। तो भाई अब निकल रहे यहाँ से, क्योंकि भाई को शाम तक पहुँचना है और हम अब करेंगे रेस्ट यहाँ पे। हम आपको तो पता है कि हम 4-5 बजे निकलेंगे यहाँ से। बाय बाय दादा मनी। भाई निकल गए, बहुत अच्छे है। भाई ने गाड़ी देखी तो भाई ने यहाँ से अंदर रिवर्स कर ली गाड़ी, भाई का माल इधर ही हलोल में खाली होगा। चलिए गाइस करते हैं अब रेस्ट, आ चुके हम गाड़ी में, तो टक्के वगैरह निकालते और सो जाते, अब उठेंगे 4-5 बजे उठेंगे, फिर नहा धो के निकल जाएंगे फिर यहाँ से। तो चलिए फाइनली गाइस हम नींद से उठ चुके, तो अपने दोस्त आ गए थे, फिर दोस्त आए थे मिलने। देख सकते हो उस साइड में उनकी गाड़ियाँ खड़ी है, बॉडी गाड़ी 14 चक्की। बस भाई आए थे, फ़ोन किया था मुझे कि भाई आप मतलब कहाँ पे हो, मैं होटल पे खड़ा था, तो भाई आए थे इधर मिलने, जस्ट चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया हमने साथ में। तो चलिए अब नहाते, कपड़े वगैरह हमने ले लिए, नहाते नहा धो के निकलते फिर यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते।
गाइस अपनी नहा धो के हम फ्रेश हो चुके, तो अब टाइम हो रहा है 6:45, मतलब 7:15। तो चलिए अब अपना सफर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रनवे होटल से हम अब निकल चुके हैं 7:15। नहा धो के फ्रेश हो चुकी है, अपनी धूप बत्ती भी हो चुकी है, देख सकते हो। तो चलिए लेते हैं भगवान का नाम श्री स्वामी समर्थ और करते हैं अपना सफर स्टार्ट। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। खाना खाने के लिए रुके, तो हम आ चुके हैं बड़ौदा से। बड़ौदा यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, तो खाना खाने के लिए रुके। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं, मतलब खाना खाने आ चुके। गाड़ी को हमने कर दिया लॉक, तो देख सकते हो अपनी गाड़ी पीछे खड़ी है। तो चलिए खाते हैं खाना। देख सकते हो ऐसी कुछ लोकेशन है अपने होटल की, होटल सहयोग। अन्ना की गाड़ी, अरे तार तो काफ़ी नीचे ऊपर। चलिए खाते हैं अब खाना यहाँ पे। देख सकते हो अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। अन्ना, ओह अन्ना की गाड़ियों का माल देखो यार, कितना मतलब बाहर निकला हुआ है। इनकी गाड़ी पैक करने का मतलब तिरपाल, रस्सी तिरपाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता नहीं यार, काफ़ी मेहनत लगती है इसे। चलिए हम खाते खाना, काफ़ी भूख लगी है। गुजराती थाली, देख सकते हो थाली में क्या क्या है। छाछ है और देख सकते हो रोटी दाल चावल सब एक गुलाब जामुन। तो चलिए अब खाते मिलते, काफ़ी भूख लगी है। खाना वगैरह हो चुका है, तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। खाना अपना हो चुका है, पेट भर के हमने खाना खाया। तो चलिए करते सफर स्टार्ट, अपना निकलते यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम रात को हम एंटर हो चुके हैं राजस्थान में। तो रात में हम आए थे ये वाले टोल पे, तो मैं यहाँ पे आया था 5 बजे के आसपास। तो ये टोल पे ये सीन हो गया ना भाई, अपना जो फास्टैग नया फास्टैग लिया था हमने, ये फास्टैग काम ही नहीं कर रहा है। तो जहाँ तक अब तक के सभी टोल पे गाड़ी नंबर से फास्टैग हो गया, तो ये वाले टोल पे ना यार वो गाड़ी नंबर से फास्टैग नहीं कर रहे। तो फिर हमें लटकना पड़े यार, ये फास्टैग तो स्कैन हो ही नहीं रहा है, काफ़ी तंग हो गई है फास्टैग के चक्कर में। नहीं तो अभी तो हम काफ़ी दूर निकल गए होते। तो फिर मैंने यही अपना टोल से पहले ही गाड़ी रिवर्स करके सो गया था इधर ही। तो चलिए अब कंपनी में मतलब फास्टैग ये एक्सिस का ही हो, वहाँ पे फ़ोन वगैरह किया है, अब देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। देखते एक बार फिर से टोल पे मतलब ट्राई करके कि भाई छोड़ते कि नहीं गाड़ी। यहाँ से देखते यार अब टोल पे मतलब फास्टैग काम करता है या नहीं। काफी तंग कर दिया फास्टैग ने, देखते गाइस अब ट्राई करके फास्टैग अपना होता है या नहीं होता है। फाइनली गाइस देखा आपने, अपना फास्टैग नहीं हुआ यार, ये फास्टैग ही खराब है साला, इतना परेशान किया ने फास्टैग ने, बहुत परेशान किया हमने। चलिए अब देखते हैं नया फास्टैग यहाँ पे बनवाना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं गाइस यार। फास्टैग ने काफी लटकने वाला काम कर दिया, तो कर दिया गाड़ी को यहाँ पे खड़ा। देखते कोई यहाँ पे फास्टैग वाला कौन है, नया बनवाना पड़ेगा यार फास्टैग, अब क्या कर सकते है। चलिए देखते यहाँ पे कौन है फास्टैग वाला, बना के लेते हैं अब क्या कर सकते है। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखते उस साइड होगा। फाइनली गाइस अपने गाड़ी का टैग हमने बना दिया है, देख सकते हो इधर ही गाड़ी खड़ी है आगे जा रहे यार। इसको लगा देते हैं गाड़ी को, काफी तंग कर दिया यार ये फास्टैग ने।
अरे एक्सिस का काफ़ी भंगार फास्टैग है, बहुत भंगार है, काफ़ी परेशान करके रख दिया है। चलो तो इसको लगाते हैं अब। तो फाइनली गाइस अपना टैग आ चुका है, देख सकते हो। तो करते हैं अब, लेके जाते हैं टोल पे गाड़ी, रिचार्ज वगैरह कर दिया हमने। तो वही पुराना वाला एक्सिस का नहीं लिया यार हमने, IDFC का दूसरा टैग मैंने लिया है। एक्सिस ने बहुत परेशान कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे चिपका के रखा है। देखते हैं, चले लेते हैं गाड़ी काटे पे, देखते हैं अब फास्ट टैग होता है कि नहीं। अपना होना तो चाहिए। गाइज आपको एक बात बता दो यार, मेरा ये टैग में ना कम से कम 1000 रुपए ना फालतू गए। ये टैग में मेरे को लगे 300 रुपए, इसमें रिचार्ज आ गया था, अभी इसमें 1300 रुपए पड़े हुए हैं। अभी इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिफंड कैसे करें एक्सिस वाले से। तो चलिए उसको तो हम कर ही लेंगे, उनको तो छोड़ेंगे ना पैसे, और जो उनको मतलब देने के लिए इसको लगा। अभी इसको नया टैग लेने के लिए मेरे को 500 रुपए खर्चा है, और प्लस वो बंदे ने 200 रुपए लिए, 700 रुपए इसमें खर्चा आ गया, इसमें 300। तो यार अपना खर्चा कर लगभग 1000 रुपये हो चुका है फास्टैग में। मैं पहले यार इसका ही फास्टैग ले लेता IDFC का ही, तो अच्छा हो जाता यार। मैं वो दूसरे फास्टैग के चक्कर में बढ़ गया यार, बहुत परेशान हो गया। चलो तो फिर पीते चाय वगैरह पी है, तो निकलते हैं अब हम यहाँ से। टैग तो अपना चालू हो चुका है, अब वो इस टोल से। तो हम सुबह 5 बजे यहाँ पे आ चुके थे टोल पे, तो अभी निकले यार फास्टैग के चक्कर में, काफ़ी टाइम पास हो गया अपना। अपना खाना हो चुका है, तो निकलते हम यहाँ से, देखते हैं अब जहाँ तक सफ़र रहे, मतलब जहाँ तक चलना अच्छा लगेगा चलेंगे। देखते हैं उधर बाईपास का RTO खड़ा होगा, एंट्री वगैरह लेगा, देखते खड़ा होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो होता ही है, दिन में तो खड़ा होता ही है, रात में नहीं होता बस। तो चलिए निकलते हैं, अब देख सकते हो उदयपुर बाईपास, बस ये ब्रिज से हमें लेफ्ट मार के ऊपर चढ़ना है राइट साइड में। तो चलिए निकलते हैं। फाइनली गाइस उदयपुर का RTO टोल पे खड़ा था बाईपास पे। पता नहीं यार पहले एंट्री हो लेते थे 50 रुपये और कुछ नहीं मांगते थे, अभी मार्केट चालू है ना, तो मार्केट के चक्कर में इनकी एंट्री भी बढ़ गई। काफ़ी तंग कर रहे हैं यार, फाइल मांग रहे, डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये दिखाओ, डरा में नहीं है। तो चलिए यार हम क्या कर सकते हैं, 50 रुपये एंट्री लेते थे, इस बार इन्होंने ली 150 रुपये, क्या ही करें, इनका खर्चा पानी भी बढ़ गया। क्या कर सकते हैं, निकलते हैं। आप पीछे भी एक RTO ने पकड़ा था अपना राजस्थान बॉर्डर पे, तो वहाँ पर भी उन्होंने लिए अपने से 100 रुपये, वो भी 200 मांग रहा था। ठीक है, तो चलिए अब निकलते हैं, क्या कर सकते हैं। गाइस हम लग चुके नाथद्वारा वाले रोड पे, देख सकते हो बाहर की लोकेशन। राजसमंद देख सकते हो, यहाँ पे काफी मार्बल की दुकानें हैं, कम से कम 1-2 किलोमीटर है पीछे से मैं देख रहा हूँ, सब मार्बल की दुकानें, देख सकते हो आप, मार्बल ही मार्बल है। हम अब पहुंच चुके हैं मामा भांजा होटल पर, नाथद्वारा वाला रोड पे, भीम से पहले 20 किलोमीटर पड़ता है ये। तो चलिए अब बिल्कुल पानी हाउस के सामने गाड़ी खड़ी कर दी है, थोड़े गाड़ी के टायरों को साफ करेंगे और नहाएंगे, और फिर चाय वगैरह पी के निकल जाएंगे यहाँ से, देख सकते। फाइनली गाइस नहा धो के हम फ्रेश हो चुके हैं, तो अब पीते हैं चाय वगैरह होटल पे जाके।
और फिर अपना सफर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए आते हैं चाय पी के, साफ सफाई हो चुकी है गाड़ी के अंदर। फाइनली गाइस अपना चाय वगैरह हमने पी लिया, देख सकते हो हम लेके आए थोड़ा, मतलब जब भी थोड़ी हल्की भूख लगती है खाने के लिए गाड़ी में, तो देख सकते हो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी। टायर वगैरह हमने अच्छे से साफ किए, निकलते अब यहाँ से। देख सकते हो मामा बंजे होटल, हम पिछली बार भी रुके थे यहाँ पे, तो चाय वगैरह पी के आ चुके, निकलते अब यहाँ से। अपनी धूप बत्ती हो चुकी है, गाड़ी भी हमने स्टार्ट कर दी, तो निकलते अभी हम यहाँ से। भूख हल्की हल्की भूख लगी है, तो थोड़ी इसको खाएंगे और पूरे बच्चे थोड़ी खाएंगे हल्की हल्की। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम किशनगढ़ में, तो काफ़ी भूख लगी यार मुझे, खाते आगे खाना खाएंगे यार। सर ये पहले ये किशनगढ़ का ये नेशनल हाईवे तो खत्म हो जाए, ये नेशनल हाईवे किशनगढ़ का मेगा हाईवे। देख सकते हो रोड के हाल, ये ज़्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर है, फिर भी हम रात में आए ना इसलिए ठीक है, अगर दिन में आ गए ना इस रोड पे तो इतना रश होता है, ऊपर से रोड ख़राब, कम से कम 20 किलोमीटर जाने में बहुत टाइम लग जाता है। 20 किलोमीटर रोड ख़राब है, किशनगढ़ सिटी काफ़ी बड़ी है, देख सकते हो आजू बाजू में सब ग्रेनाइट्स के मतलब कंपनीज हैं बड़ी बड़ी। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं गुजरात होटल पर, देख सकते हो बाहर होटल, हम इसी होटल पर रुकते हैं हमेशा, नहीं मतलब चाय पी के तो जाते ही जाते हैं। चलिए खाना खाते हैं यार। फाइनली गाइस अपना खाना हो चुका है, हमने खाया पुलाव, पुलाव राइस, तो हमने जूते वगैरह डाल दिए, काफ़ी यहाँ पर ठंड काफ़ी है। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।